नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में कि विदेश यात्रा का योग हाथ में कैसे देखा जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए समझते हैं। तो ये जो चंद्र पर्वत होता है हाथ में, यहाँ पर देखिए ये जो चंद्र पर्वत है, यहाँ से अगर कोई रेखा निकल कर इस तरह से, ये रेखा निकलकर यहाँ पर भाग्य रेखा में, इस तरह से भाग्य रेखा में आके जुड़ जाए, ये भाग्य रेखा होती है हमारी, ये देखिए ये इस तरह से भाग्य रेखा है, अगर इस भाग्य रेखा में जुड़ जाए तो फौरन जाने के योग समझने चाहिए। और यहाँ से भी अगर कुछ रेखा ऐसी हल्की हल्की रेखा भी इधर की तरफ को अगर जा रही है तो भी समझिए कि विदेश यात्रा का योग बनता है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है कि अगर यहाँ से ये रेखा मजबूती के साथ गाड़ी होकर चले तो समझ लेना चाहिए कि इंसान वहाँ पे जाके सेटल भी होता है। और चंद्र माउंट अगर उसका काफ़ी उभरा हुआ है, ये मून माउंट चंद्र पर्वत उसका अच्छा उभरा हुआ है, तो समझना चाहिए कि विदेश यात्रा में सेटल होने के योग भी बनते हैं। अगर ये इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं आती हैं तो समझना चाहिए कि बार बार इंसान विदेश यात्रा करता है और जो कि काफ़ी शुभ होती हैं, फलदायक होती हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। नमस्कार।